हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभिषेक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइज अपनी कंपाइलर डिज़ाइन की सीरीज़ गाइज, जिसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज़। फर्स्ट वीडियो है गाइज हमारा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कंपाइलर डिज़ाइन में। सबसे पहले हम देखेंगे कंपाइलर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपाइलर क्या है, ओके, एंड देन विल सी दी फेजेस ऑफ द कंपाइलर इन नेक्स्ट वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज चैनल पर नए हो तो मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज डली हुई ऑलरेडी चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, लाइक क्रिप्टोग्राफी डाला हुआ है गाइस, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स डाला हुआ है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटरव्यूज के लिए इंग्लिश की सीरीज, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है, ऑल दी प्लेसमेंट सीरीज, एवरीथिंग इज देयर, ओके। आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको सबकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कंपाइलर। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, जैसे हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आप जावा की बात कर लीजिए, अगर हम उसमें प्रिंटिंग कमांड देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो भी है, सपोज किसी का नाम दे दिया, तो वो तो हमको समझ में आ रहा है ना कि हाँ हम इसको प्रिंट करा रहे हैं ना। बट द थिंग इज कि उसको मशीन को कैसे अंडरस्टैंड होगा, वो कैसे समझ पाएगी मशीन जो है आपकी। सो दैट्स द थिंग, इसीलिए हमारा कंपाइलर यूज होता है गाइस। इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारी होती है, जो हम लिखते हैं, सपोज जावा हो गया, कोई भी हो गई, ओके, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले लो लेवल लैंग्वेज में। दिस इज द वर्क ऑफ द कंपाइलर। द मेन मुद्दा आपका क्या है, कंपाइलर क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर, और यू कैन से इट इज अ प्रोग्राम, ओके, सिंपल आपका सॉफ्टवेयर है, या फिर आप कह सकते हैं प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, जो कि आपका कन्वर्ट करता है गाइस प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, ओके। और जिसको लो लेवल लैंग्वेज जिसमें ये कन्वर्ट करता है, कई बार इसको हम टारगेट लैंग्वेज भी बोलते हैं एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज भी बोलते हैं, ओके। सो कई बार आपको आगे टर्म मिलेगा टारगेट लैंग्वेज, दैट मींस ओनली जो हम हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज में, ओके। सो ये आपका कंपाइलर होता है। सो इट इज अ सॉफ्टवेयर जो कि कन्वर्ट कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में आपके सोर्स कोड को या फिर प्रोग्राम को, ओके। बेसिक सा आपका फंडा ही हो गया। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है गाइस, जो आपका कंपाइलर है ना, इट ऑल्सो रिपोर्ट्स एरर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे आप कोई भी कोडिंग वगैरह करते हो, जैसे आपका टर्बो सी हो गया, आप सी की कोडिंग कर रहे हो, तो आपका वहाँ पे टर्बो सी हो गया या फिर जीसीसी कंपाइलर, बहुत सारे कंपाइलर होते हैं गाइस। सो जब हम कोड लिखते हैं तो उसमें गलतियाँ होती है ना, तो वो एरर्स देता है ना, एक साथ देता है सारे एरर्स। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई गाइस, इट ऑल्सो रिपोर्ट्स एरर्स प्रेजेंट इन द सोर्स प्रोग्राम। अब वही मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताया हुआ। जैसे सपोज फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज अवर कंपाइलर, हमने यहाँ पे इनपुट दिया सोर्स प्रोग्राम, तो हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है गाइस, टारगेट प्रोग्राम मिल रहा है जो कि कन्वर्ट हो चुका है लो लेवल लैंग्वेज में। और अगर यहाँ पे एरर्स आते हैं तो ये हमारे को एरर्स भी लिस्ट करेगा, एंड इफ सम वार्निंग इज देयर तो फिर यहाँ पे वार्निंग आ जाएंगी, है ना। जैसे हम लोग अपना सी टर्बो सी में कोडिंग करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कोडिंग करते हो, तो आपका कंपाइलर ही होता है जो कि आपको वार्निंग्स एंड एरर्स दिखाता है ना। सो दैट्स द थिंग। तो इसके लिए ये हमारा हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन की व्हाट इज अ कंपाइलर। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स। गाइस बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके कंपाइलर्स के, अगर आप सर्च करते हो नेट पे। सो बेसिकली ये हम दो टाइप में हम फिलहाल इसको डिस्कस करने वाले हैं, कि सिंगल पास कंपाइलर्स आपके होते हैं और मल्टी पास कंपाइलर्स होते हैं। जो जैसे कि हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है गाइस, सिंगल पास कंपाइलर्स का मीनिंग क्या होता है, कि जो हमारा पूरा सोर्स कोड होता है ना, मतलब जो हम इनपुट देते हैं लैंग्वेज, दैट इज अवर सोर्स कोड, जो आप प्रोग्राम इनपुट दे रहे हो या फिर आप हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हो, तो उसको वो प्रोसेस सिर्फ एक ही बार करता है पूरा, और उसके बाद वो अपना लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसमें वही है, इट इज अ टाइप ऑफ कंपाइलर दैट प्रोसेसेस द सोर्स कोड ओनली वंस, ठीक है, आपका एक ही बार प्रोसेसिंग होगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो गाइस सिंपल सा आपका ये हो गया हमारा सिंगल पास कंपाइलर। और जैसे कि हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है, मल्टी पास कंपाइलर में क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ही बार सोर्स कोड प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हमारा मल्टीपल टाइम्स होगा, है ना। सो देख लेते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कंपाइलर दैट प्रोसेसेस द सोर्स कोड मल्टीपल टाइम्स, दैट इज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, यही तो काम होता है ना कंपाइलर का, दैट्स वाई, दैट इज टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू टारगेट या फिर ऑब्जेक्ट कोड भी हम इसको बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना। सो बस यही चीज़ हो गई, जो आपका प्रोसेसिंग है गाइज ऑफ दिस सोर्स कोड, वो आपका मल्टीपल टाइम होगा इन दिस मल्टीपास कंपाइलर। अब गाइज कुछ ना फेजेज होते हैं कंपाइलर के, जैसे कि अभी मैं हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट दो तीन वीडियोस के बाद इसको डिस्कस करने वाला है। तो क्या होता है, तो जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना गाइस, इट पासिस थ्रू सर्टेन फेजेस, वो हम आगे देखने वाले हैं। छह फेजेस आपके होते हैं, फिर उसके बाद आपका जो है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है आपका डेटा जो होता है ना, दैट इज योर सोर्स कोड। सो इन केस ऑफ सिंगल पास कंपाइलर की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ऑल दीज फेजेस आर इन अ सिंगल मॉड्यूल, मतलब जब भी आपका यहाँ पे हमारा सोर्स कोड पास होगा, पूरा प्रोसेसिंग होकर हमारा आउटपुट एक बारी में आ जाएगा, ओके। सो दैट्स वाई प्रोसेसिंग आपकी एक ही बार हो रही है। मल्टी पास कंपाइलर की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो मल्टी पास कंपाइलर की अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता है हमारा, कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है या फिर जो हमारा गाइस सोर्स कोड होता है, वो हमारा पास होता है उन्हीं छह फेजेस से। बट यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है, कि ऑल दीज सिक्स फेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके, मतलब ज़्यादा पार्ट्स भी डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पे हमने टू पास कंपाइलर की बात करी हुई है, तो हम यहाँ पे उस हिसाब से समझ रहे हैं। सो शुरू के हमने चार मॉड्यूल्स को यहाँ पे फर्स्ट पास बोला है, और फिर लास्ट के दो मॉड्यूल्स को सेकंड पास बोला हुआ है, ओके। एंड जो आपका फर्स्ट पास होता है गाइस, इसको हम अपना फ्रंट एंड पार्ट भी बोलते हैं, और जो हमारा सेकंड पास है इसको हम बैक एंड पार्ट भी बोलते हैं। जो हम इसको फेजेस ऑफ कंपाइलर वगैरह पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में देखेंगे कि हमारा फर्स्ट मतलब फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है प्रॉपरली, कि कौन सा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है ना, एंड सो ऑन, ए टू जेड चीज़ें। सो फॉर द टाइम बिंग मल्टी पास कंपाइलर में ये सिनेरियो होगा, आपका सोर्स कोड यहाँ से इनपुट जाएगा, यहाँ से प्रोसेसिंग होगी, आपका यहाँ पे कुछ आउटपुट बनेगा इन चार फेजेस के बाद,
दैट विल बी कॉल्ड एज वट गाइज इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, से हमारा कोड निकलता है तो हमारे यहाँ पे थ्री एड्रेस कोड करके निकलेगा। सो दैट कोड विल बी पास टू द सेकेंड पास और फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग होगी, आपकी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका सिनेरियो होता है गाइस मल्टी पास कंपाइलर में। ओके, नाउ देर आर टू पार्ट्स ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस, है ना। जैसे कंपाइलेशन होती है तो उसको भी इन्होंने दो प्रोसेस में हम इसको बेसिकली बता सकते हैं कि ये तरीके होते हैं, या फिर गाइस इसको आप किस तरीके से भी बोल सकते हो, देर आर टू मेजर फेजेस ऑफ अ कंपाइलर। ठीक है, अब जैसे कि आप आगे हम डिस्कस करेंगे फेजेस डिटेल में, तो वो पाँच छः हमारे होते हैं फेजेस, बट गाइज मेजरली हम उसमें अगर हम बात करते हैं तो हम इसको दो कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक तो हमारा पार्ट हो गया एनालिसिस पार्ट और एक हमारा होता है सिंथेसिस पार्ट। ओके, सो गाइज हमारे एनालिसिस फेस में क्या होता है, देखो सिंपल सा, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज इनपुट देते हैं ना अपने कंपाइलर को, तो एनालिसिस पार्ट में क्या होता है, इट ब्रेक्स अप द सोर्स कोड या फिर जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज अवर हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमने ये कोड लिखा है, इसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो हमारा होता है ना दो तीन स्टेप्स के बाद हमारा एक कोड जनरेट होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इंटरमीडिएट कोड। तो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली हमारे यहाँ पे। ओके, तो हमारा सिंपल सा फेज हो गया एनालिसिस फेज, इसमें क्या हो रहा है, हम हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट दे रहे हैं मतलब सोर्स कोड दे रहे हैं और हमारा एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो जाता है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोग्राम की। और ये जो आपकी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन गाइस बनती है ना, इसको हम इनपुट देते हैं एज अ इनपुट टू दिस सेकंड फेज दैट इज योर सिंथेसिस फेज। तो जो भी इसका आउटपुट आएगा, जो भी आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा या फिर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो आपकी जनरेट होने वाली है, वी विल गिव दिस एज एन इनपुट टू दिस सिंथेसिस फेज। ओके, वही लिखा हुआ है गाइस, इट टेक्स द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, देखो यही है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो ये आपकी यहाँ पे जनरेट हुई है, हम यहाँ पे इसको दे रहे हैं, इट टेक्स दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम एज इनपुट एंड क्रिएट द डिजायर्ड टारगेट कोड। ओके, तो दोनों फेजेस जब हमारे मिलते हैं, जब पहले हमारा ये काम करेगा फिर उसके बाद हमारा ये काम करेगा, उसके बाद हम कहेंगे हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस जो है पूरा हो चुका है। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो सिंपल सा हमारे दो फेजेस मेजरली अगर हम बात करते हैं तो मेजरली आपको फेजेस भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर देर आर टू पार्ट्स ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस, एक आपका हो गया एनालिसिस फेज, एक हो गया गाइस आपका सिंथेसिस फेज। ओके, एनालिसिस फेज में आप क्या कर रहे हो, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर आप जो अपना सोर्स कोड दे रहे हैं फ्रेंड्स, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ इंटरमीडिएट कोड या फिर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आपकी बन रही है। फिर ये जो आपकी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बन रही है ना, इसको आप इनपुट दे रहे हैं सिंथेसिस फेज में और इसको एज अ इनपुट लेके वो फिर प्रोसेसिंग कर रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा एक आउटपुट जनरेट हो रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द टारगेट कोड या फिर आप इसको टारगेट प्रोग्राम बोल सकते हैं। ओके, सो ये आपका जब दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, ये हमारा पूरा कंपाइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ओके, सो दीज वर दी टू पार्ट्स ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस गाइस, इसकी डिटेल में ना फेजेस हम आगे देखने वाले हैं दो तीन वीडियो के बाद। एंड या दैट्स इट, इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कंपाइलर क्या होता है, उसके दो टाइप्स क्या होते हैं हमारे कंपाइलर के फिलहाल मेजरली, और हमारे टू पार्ट्स ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को, ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियोस बहुत सारे मिलते रहेंगे एंड इंटरव्यू सीरीज भी आपको जल्दी ही मिलेंगी काफ़ी सारे वीडियोस। एंड डू चेक आउट माय चैनल गाइस, अपने जूनियर के साथ शेयर करें, इंटरव्यू प्रोसेस पूरा डला हुआ है गाइस कि आपको क्या पढ़ना चाहिए इंटरव्यू में, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, एंड यस टिल द टाइम टेक केयर, गुड बाय।